हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा आज का विषय है भारत में जो है वो शिक्षा प्रणाली जो है वो किस प्रकार की है और आर्थिक विकास जो है वो किस प्रकार से एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आज हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारा यूनिट सेकेंड से क्वेश्चन हमारा कई बार आ सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आ सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी पूछ सकता है और इसके साथ साथ आपको अलग से ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की दोनों चीजों के बीच में आपस में संबंध क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखें कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक संबंध से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य क्या है, समाज में रहता है ना, तो समाज में रहते हुए उसको अपने जीवन यापन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थ की आवश्यकता पड़ती है ना। और जो अर्थ है, जो पैसा है, वो क्या है, हमारे जीने को, हमारे जीवन को सुविधापूर्वक बनाता है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति होती है वो किससे होती है, वो पैसे से ही होती है ना, हम सब इस चीज को भलीभांति जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या चीज है, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं। तो एक जो परिभाषा दी है वह डबिन ने दी है, ये कहते हैं कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय में लंबे समय तक वृद्धि होती रहे, राष्ट्रीय आय क्या होती है, जो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र से है ना, किसी भी राष्ट्र की जो आय है उसमें जो वृद्धि होती रहती है, तो वो जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में लंबे समय तक वृद्धि होती रहे, एक डेफिनेशन तो इसकी एक ये है। दूसरी एक डेफिनेशन हम हर बाइसन के अकॉर्डिंग देखते हैं, वो कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से अल्प विकसित देश को आर्थिक विकास के अंतर्गत नहीं माना जाता, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से अल्प विकसित देश को आर्थिक विकास के अंतर्गत नहीं माना जाता। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, यानी कि वहां की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी आर्थिक विकास अगर वहां पर नहीं हुआ है, या आर्थिक दृष्टि से जो देश अल्प विकसित हैं, जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, तो उनको जो है वो इसके अंतर्गत नहीं माना जाता है कि वहाँ का जो आर्थिक चाहे पर कैपिटल इनकम कितनी भी हो, लेकिन जब तक अंडर डेवलपमेंट अलग डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर जो कोई देश है तो उसको विकसित हम नहीं मान सकते। ठीक है, कुछ अन्य अर्थशास्त्री भी हुए, वे कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो कुशल जनशक्ति ही उसकी आय में वृद्धि का साधन है। कि कुशल जनशक्ति का मतलब क्या होता है, कुशल का मतलब होता है जो ट्रेंड लोग हैं, जनशक्ति जो लोग हैं, जो वहां रहने वाले जो शक्ति है, जनता ही वहां की शक्ति होती है ना, कोई भी चाहे समाज है। अभी हम जैसे सोशियोलॉजी की पढ़ के हटे थे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो जो समाज है, जो जिस तरह के लोग समाज में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जनशक्ति होती है ना, तो जो जनशक्ति है वो क्या है, अगर वहां की ट्रेंड है तो जो है वो वहां की जो कुशलता हो सकती है। ठीक है, परंतु सीमित पूंजी, संसाधनों के अभाव और कार्य करने के स्थान को की कमी के कारण क्या है, जो है वो अतिरिक्त जनशक्ति राष्ट्र के आर्थिक विकास के मार्ग में अवरोध पैदा करती है। यानी कि सभी जानते ही हैं, जैसे कि एक तो अगर जनसंख्या हमारी कहीं की भी ज्यादा है तो उससे क्या होगा, हमारे जो संसाधन है उसका अभाव हो जाएगा, है ना, संसाधनों का अभाव हो जाएगा, क्योंकि खर्च करने वाले खाने वाले लोग ज्यादा होंगे, संसाधन क्या होंगे, कम होंगे। फिर पूंजी की कमी, अगर लोग ज्यादा होंगे तो पूंजी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या है, कार्य करने के स्थान, फिर जो आपकी लैंड है या जहां पर आप काम कर रहे हो, कोई फैक्ट्रीज है, कोई कंपनीज है, कोई भी जगह है जहां पर, वो क्या है, ज्यादा जनसंख्या होने से वो भी क्या है, सीमित हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोगों को मिलेगी, तो उससे क्या है, उससे जो है वो आर्थिक विकास में हमें बाधा पहुंचेगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखें, ये तो थी हमारी डेफिनेशंस आर्थिक विकास की, अब हम थोड़ा सा इसमें देखें कि एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो शिक्षा है हमारी और आर्थिक विकास किस प्रकार से है, शिक्षा और
आर्थिक विकास में। अब हम इस कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, आर्थिक विकास शिक्षा के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, एडम स्मिथ हुए हैं, एडम स्मिथ आपने नाम सुना होगा, एडम स्मिथ का बहुत ही अच्छे शिक्षा शास्त्री हुए हैं और अर्थशास्त्री भी थे ये। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति एक ऐसी पूंजी का निर्माण करते हैं जो कि उस संबद्ध व्यक्ति में निहित होती है, और यह पूंजी न केवल अपने वर्ण समाज के भविष्य का भी निर्माण करती है। ठीक है, और यह भी ध्यान देने की बात है कि केवल शिक्षा ही विकास को प्रभावित नहीं करती, आर्थिक विकास का भी शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो बोथ साइड है, चाहे वो शिक्षा है चाहे वो आर्थिक विकास है, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र अधिक संपन्न और व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। यानी कि हम देखते ही हैं ये चीजें, तो हमें रूटीन में भी पता ही होती है कि अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है तो जो शिक्षा पर हम बजट करते हैं, खर्च करते हैं, पर जो हमारा बजट आता है, आप सभी ने बजट के बारे में भी सुना ही होगा कि जो हमारा शिक्षा पर जितना खर्च होगा, कितना खर्च होगा, अगर देश के अंदर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अगर बजट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, तो जो संसाधन हमें प्राप्त होंगे वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे और सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी हम लोगों को, सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी तो जो हर व्यक्ति की शिक्षा जो है वो उसको उपलब्ध होगी, है ना। तो बहुत सारी जो जो जिन कमियों के कारण शिक्षा जो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाते वो समस्याएँ भी खत्म हो जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या है, कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र और व्यापक शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्र में क्या है, प्रशिक्षित लोग आते हैं और कुशल कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करें, हम अपने शिक्षण व्यवसाय में क्या करते हैं, इसे बदलाव लेकर आते हैं, और इस शिक्षा और आर्थिक विकास दोनों जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, पर आश्रित क्या है, पर आर्थिक विकास का शिक्षा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आर्थिक विकास शिक्षा का योगदान है, इसका अध्ययन अति आवश्यक है, है ना। क्योंकि सिर्फ शब्दों में, दो शब्दों में अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो सीधी सीधी बात यह है कि जहाँ की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी वहां पर संसाधन भरपूर मात्रा में होंगे, और वहां पर क्या है, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा और लोगों को शिक्षा के जो चांसेस हैं मिलने के वो ज्यादा होंगे, है ना। स्कूल ज्यादा होंगे, कॉलेजेस ज्यादा होंगे, अध्यापक अच्छे होंगे, ट्रेंड आपको अध्यापक मिलेंगे, क्योंकि हर काम की जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है, अर्थ से ही होती है। तो जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे जो शिक्षा का स्वरूप है वो भी बदलता चला जाएगा। शिक्षा भी जो वो क्या है, वो अपने जो है वो जिस उद्देश्यों की पूर्ति हमें चाहिए उसके लिए हम अगर संसाधनों का अभाव कम करके जो है वो भरपूर मात्रा में संसाधन देते हैं तो डेवलपमेंट होना अवश्यंभावी है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा इसमें देखें कि आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। ये तो था शिक्षा और आर्थिक विकास, अब हम बात करते हैं इसमें आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका, जो आर्थिक विकास है वो किस प्रकार से शिक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए, पहला हम इसमें बात करें कि द सक्सेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल प्लान्स, कि राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण व सफलता, पहला पॉइंट राष्ट्रीय पहला पॉइंट क्या है हमारा, राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण, पहला पॉइंट राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण, राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण व सफलता, निर्माण व सफलता, कि जो नेशनल लेवल पर जो पॉलिसी बनती हैं उनको कैसे हमने बनाना है, कैसे हमें उनको निर्धारित करना है और कैसे उनको सफलतापूर्वक हमें जो है क्रियान्वित भी करना है। द सक्सेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल प्लान,
ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है और वो धीरे धीरे क्या है अपने जो क्षेत्र के एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, योजनाओं की सफलता क्या है, एक्सपर्ट्स के द्वारा निर्माण और क्रियान्वित करने पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के एक्सपर्ट हमारे देश के अंदर हैं और किस प्रकार वो योजनाओं को बनाते हैं और वो लागू करते हैं। जैसे ही वो काम करते हैं तो जो है देश की सफलता या असफलता उस पर निर्भर करती है, आर्थिक व्यवस्था पर। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा बात करें योजनाओं का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। योजनाओं का मूल्यांकन, योजनाएं बना दी जाती हैं, योजनाओं का मूल्यांकन, योजनाएं बना दी जाती हैं सरकार के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, फिर जो है वो उनको लागू किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी योजना ने कितनी सफलता पाई ये हमें कैसे पता लगेगा, मूल्यांकन के द्वारा पता लगेगा। हम मूल्यांकन करें अच्छे से उसका, और क्या है एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि आजकल भारत में विदेशी निवेश को बढ़ाया जा रहा है, तो अशिक्षित व्यक्ति का यही मानना है कि इस प्रकार की योजना से भारत एक बार से फिर से गुलाम बन जाएगा। देखिए, क्योंकि गुलाम हो चुके हैं तो डर भी लगता है ना, परंतु क्या है एक शिक्षित व्यक्ति ये जान सकता है कि भारत को विकसित बनाने में विदेशी निवेश जो है वो लाभकारी होगा। यानी कि दोनों के अंदर क्या है, दोनों की सोच के अंदर अंतर होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी काम को प्रैक्टिकली करें तो उसके परिणाम क्या होंगे, वही अशिक्षित व्यक्ति क्या है वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हो जाएगा, उसको ये डर रहेगा कि नहीं पहले भी विदेशी हमारे देश में आए थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि अगर तरीके ढंग से इनको बुलाया जाए, फिर एक टाइम के लिए इनको टाइम बाउंड काम दिया जाए, तो फिर क्या उससे देश का विकास होगा, क्योंकि जो बाहर का पैसा है वो हमारे देश के अंदर यहाँ पर आकर के वो लोग लगाएंगे तो हमें क्या होगा, उस चीज का फायदा होगा, है ना। तो फिर थर्ड हम इसमें बात करें उत्पादन में वृद्धि या इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, प्रोडक्शन, उत्पादन क्या था, प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है तो नई शिक्षा तकनीकी का, तकनीकों का विकास करके क्या कर सकते हैं हम, इन विधियों से व्यक्तियों को शिक्षित करके, इन विधियों को अपनी परिस्थितियों में ढाल कर और उनमें उचित संशोधन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कि शिक्षा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो क्या है, वो हो सकता है हमें बाहर से भी मिले ना पड़े, हो सकता है हमें अपने देश में ही मिल जाए और उन तकनीकों को हम लागू करें, हर एक व्यक्ति तक उन चीज़ों को पहुँचाएँ, तो उससे क्या होगा, उससे भी लाभ होगा हमें नई टेक्निक्स का, है ना। क्योंकि क्या है जो आए दिन क्या है, ज्ञान एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट्स जो कभी नहीं रुकती है ना, तो ये चली जा रही है। ज्ञान का कोई स्वरूप से निश्चित नहीं है, जितना हासिल किया जाए कम है, तो हमें हो सकता है किसी कंसेप्ट का पहले ज्ञान हो लेकिन उसके अंदर भी जो है हम आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके तो क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं कि नए नए किसी के प्रोडक्शन को करने के तरीके कौन कौन से हैं, उनको हम अपना करके हम अपने प्रोडक्शन को वृद्धि कर सकते हैं। फिर है एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट, फोर्थ पॉइंट आपका है कि शिक्षा एक निवेश है, यानी कि जो पैसा हम शिक्षा पर लगाते हैं वो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, है ना। क्योंकि आज जिस शिक्षा पर या जिन बच्चों पर हम पैसे लगा रहे हैं वो आने वाले समय में क्या है, वही बच्चे जो हैं वो अपना आउटपुट लेकर के आएंगे। आज जो हम लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है हमारी, है ना। हमने किसी बच्चे को पढ़ाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसको तैयारी करवाई, कोचिंग करवाई, या जैसे भी उसको किसी चीज में एक्सपर्ट बनाया, तो पैसा तो हमारा लगेगा लेकिन उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, समाज के लिए बेनिफिशियल होगा। वो व्यक्ति ना केवल अपना जीवन का सुधार करेगा, अपने परिवार का सुधार करेगा और अपने समाज का सुधार करेगा। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, कि एजुकेशन एज ए, एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट, और जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन पर, वैसे ही हमारे समाज के अंदर क्या है, व्यक्ति जो डॉक्टर बन के निकलेगा, कोई जो है वो साइंटिस्ट बन के निकलेगा, कोई इंजीनियर बन के निकलेगा, कोई देश का जो है वो एक अच्छा नेता बन के निकलेगा, तो वो जो पैसा है हमारा वो क्या है, इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ हमारे आर्थिक विकास जो है वो हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि राष्ट्रीय आय में इनकम, सॉरी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर देश के अंदर विकास होगा तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी, है ना, क्योंकि
जब पैसा जो देश के अंदर आता है या काम जब सही व्यवस्था में चलता है, उत्पादन अच्छे से होता है, इन्वेस्टमेंट अच्छे से होता है, तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना। उत्पादन जितना लोग काम करेंगे उतना ही उत्पादन ज्यादा होगा, तो राष्ट्रीय आय जो है वो क्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और भारत क्या है, विकासशील देश है, और उसमें शिक्षा के प्रसार से विद्यार्थी कार्य करने के वैज्ञानिक और तकनीकी चीजों को जब प्रयोग करेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, जो कि आर्थिक विकास के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें करें कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अभी तक ये 5 पॉइंट मैं करा चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको रिविजन के लिए करती हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा हो गया राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण, दूसरा हो गया योजनाओं का मूल्यांकन, तीसरा हमारा उत्पादन में वृद्धि, चौथा पॉइंट शिक्षा एक निवेश है, पांचवा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है। अब हम 6 पॉइंट की ओर जा रहे हैं। 6 पॉइंट है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार के 6 पॉइंट है हमारा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जितना ज्यादा रोजगार देश के अंदर हम लोगों को देंगे, उपलब्ध होंगे, उतना ही ज्यादा क्या है, पर कैपिटल इनकम में वृद्धि होगी और नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, है ना। शिक्षा से क्या है, निरक्षरता की जो समस्या है उसका निदान होता है, और लोगों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं, ना। कोई किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ बनता है, कोई किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ बनता है, तो अच्छा व्यवसाय अपना करके क्या है, हम आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या क्या कहेंगे, उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर। जो अगर आय के स्रोत अगर हमारे पास हैं, तो जो हमारा जीने का तरीका है या जो हमारा स्टेटस है समाज के अंदर, जो स्टैंडर्ड है हमारा, वो हाई हो जाता है, है ना। और शिक्षित लोग क्या चाहते हैं, अपने जीवन स्तर को हाई रखना चाहते हैं, ऊंचा रखना चाहते हैं। उनमें क्या है, महत्वाकांक्षा होती है, जीने के प्रति एक इच्छा होती है, उसको पूरा करने के लिए क्या है, वे अपनी आय में वृद्धि करते रहते हैं या उन्हें करनी होती है। यानी कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहता है कि मैं एक सभ्य समाज का हिस्सा बनूं, एक स्टैंडर्ड वाले परिवार मेरा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है, इससे भी क्या है, आर्थिक विकास में जो है वो हमें वृद्धि होती है। फिर है शोषण के विरुद्ध चेतना उत्पन्न करना, टू मेक अवेयरनेस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कि शिक्षा के द्वारा क्या है, लोगों में शोषण के विरुद्ध चेतना उत्पन्न होती है। हम इस पॉइंट को यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा क्या है, शिक्षा के द्वारा शोषण के विरुद्ध चेतना, शोषण के विरुद्ध, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है ये, विरुद्ध चेतना। कि लोगों का शोषण होता है, ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति मोस्टली क्या है, शोषण का शिकार होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जिस काम को कर रहे हैं उस काम में उनके साथ कितनी वो जो है वो शोषण होता है, किस तरह से होता है, ना। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो क्या है, उसको अपने फायदे नुकसान, अपनी मजदूरी, हर चीज का पता होता है, तो जिससे क्या है, व्यक्ति अपना शोषण करने करवाने से बच जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि तेरे जो है वो यहाँ पर तेरा इतना सिस्टम बन रहा है, ठीक है। और जिस देश के नागरिक क्या है, कुशल और समझदार होते हैं, उस देश का आर्थिक विकास संभव होता है, है ना। क्योंकि जब हमें अपनी हर चीज का पता होगा तो क्या होगा, हम लोग जो है वो मार खाने से बच जाएंगे, सिंपल भाषा में अगर मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट मैन पावर, कुशल जनशक्ति का विकास, कुशल जनशक्ति का विकास। जनशक्ति क्या, मैन पावर। अगर हम लोगों को शिक्षित करते हैं, अपने देश के नागरिकों को शिक्षित करते हैं, तो लोग क्या है, ट्रेंड हो जाएंगे अपने काम में, है ना। और ट्रेंड व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो बजाय एक अनपढ़ व्यक्ति के हमेशा ही ज्यादा होती है, है ना। तो प्राकृतिक साधनों का भी हमें इसके साथ साथ प्रयोग करना है, पर डिपेंड करता है कि अगर व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक मेथड से काम कर रहे हैं,
तो उससे क्या है, शिक्षा के द्वारा जो है हम उसके अंदर एबिलिटी पैदा कर सकते हैं व्यक्ति के अंदर, और साधनों के सदुपयोग से देश का विकास जो है वो ज्यादा होता है ना। कैसे, हमारे पास देश के अंदर कमी नहीं है संसाधनों की, संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन कमी किस चीज की है, कमी है उन संसाधनों के सदुपयोग की, प्रॉपर उपयोग की, कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो आज भी उपयोग में जो है वो हमसे नहीं लाई जा रही है, वो चीज वेस्ट हो जाती है जब तक कि हमारे पास उनको प्रॉपर वे में उस काम को जो है यूटिलाइज हम नहीं करते उन चीजों का। तो जो है वो कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट मैन पावर, जो कुशल जनशक्ति है वो क्या है, उस चीज को प्रॉपर वे में यूज कर सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान या इन्वेंशन इन वेरियस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब रिसर्च हो गया, इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं कि किसी भी चीज को जब हम रिसर्च करते हैं तो जो काम हमारा पहले हो चुका है, जो बार 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 हम उसी काम के अंदर रिसर्च करते हैं तो कुछ नए रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि शिक्षा की सहायता से ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान होता रहता है, और जैसे कि अच्छी फसल के लिए हम एग्जांपल लें तो कि किस प्रकार से हम बढ़िया बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से खाद का प्रयोग बढ़िया हम कर सकते हैं, है ना, और जो बीमारियों से अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं, मशीनों से अपने उत्पादन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से, तो ये जो चीजें हैं, ये जो अनुसंधान है, ये भी हमारे आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहायक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा के विभिन्न पक्ष एंड वेरी, हम इसको कहेंगे कि वेरियस एरियाज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 11th पॉइंट आप बना सकते हैं इसके अंदर कि शिक्षा के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, या इस पॉइंट को हम ना भी लिखे तो 10 पॉइंट्स हमारे बहुत हैं, हम वर्बली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या था, 6 पॉइंट था हमारा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उच्च जीवन स्तर बच्चे को प्रदान करना या उस जीवन स्तर के लिए लोगों को तैयार करना, शिक्षा के द्वारा शोषण के विरुद्ध चेतना जो है वो फैलाना, और कुशल जनशक्ति का विकास करना, और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, ठीक है। ये तो हमारे मेन पॉइंट थे। अब शिक्षा के जो विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, जैसे हम कई बार कर चुके हैं कि विभिन्न पक्ष है हमारा, जो पाठ्यक्रम है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो टीचिंग मेथड्स हैं, या जो डिसिप्लिन है अध्यापक है चाहे वो स्टूडेंट्स के बीच में है, तो देश के विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, मानव संसाधनों का विकास करना और उत्पादन में वृद्धि करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा का, फिर से मैं बताती हूँ कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मानव संसाधनों का विकास करना और उत्पादन में वृद्धि करना। मानव संसाधन क्या होते हैं, जो उस देश के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, समाज के अंदर रहने वाले जो हम लोग हैं, हमें मानव संसाधन है ना, ठीक है। और इसके लिए ऐसे विषयों का हमें अध्ययन करना चाहिए जिससे कि क्या है, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ हम व्यवहारिक ज्ञान का भी जो है वो प्रदान हमें किए जाए, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज की जब हम बात करते हैं, तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे कि किसी काम का हम प्रैक्टिकली बेनिफिट ले सकें, जिससे बालक की क्रियाओं का अधिक से अधिक उसमें योगदान होना चाहिए, कि एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चे को सिखाएं, और जो करने करके सीखने पर आधारित हो, और अध्यापक को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान हो, कि जो टीचर है उसको क्या हो, अपने टीचर के अंदर मास्टरी हो उसको, ठीक है। और बहुत सी जो चीजें हैं और भी हैं जो आर्थिक विकास के अंदर शामिल हो सकती हैं, एक इसमें ये भी हो सकता है कि प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करना, जनसाधारण में श्रम और कार्य कुशलता का विकास करना, और कृषकों को क्या है, सरलता उत्पादन क्षमता प्रदान करना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा, बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक जो है वो ये टॉपिक हमारा था। थैंक यू।